10 interesting facts that can make you smarter than anyone. नंबर 10, गूसबम्प्स क्यों आते हैं? गूसबम्प्स पाइलो रिएक्शन का नतीजा होते हैं। इसमें इंसान की बॉडी के रोए अपने आप कुछ पल के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे बालों की जड़ों के पास उठा हुआ आकार बन जाता है। ये हम लोगों से ज्यादा हमारे पूर्वजों के लिए फायदेमंद थे। गूसबम्प्स डर लगना या अचानक चौंकने से होते हैं। इंसानों के सिवा जानवरों में भी गूसबम्प्स होते हैं। जब ठंडी जगहों पर रहने वाले जानवरों के रोए खड़े होते हैं तो उनके बालों के बीच हवा भर जाती है, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। दूसरा फायदा ये होता है कि बाल फूलने से हमले की स्थिति में वो बड़े और ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं और दूसरे जानवर आसानी से डर जाते हैं। नंबर 9, हमें अपनी रिकॉर्डेड आवाज अच्छी क्यों नहीं लगती? जब आप किसी और को बोलते हुए सुनते हैं तो साउंड वेव्स हवा के जरिए आपके कानों में जाती हैं। वहीं जब आप अपनी खुद की आवाज सुन रहे होते हैं तो साउंड वेव्स हवा के जरिए कानों में पहुंचने के साथ साथ आपकी वोकल कॉर्ड से गुजरकर भी वहां पहुंच रही होती है। लेकिन जब आप अपनी रिकॉर्डेड आवाज सुनते हैं तो आप केवल एक ही सोर्स से आने वाली आवाज सुन पाते हैं। ये आवाज आपकी उस आवाज से एकदम अलग होती है जिसे सुनने की आदत आपको होती है। इसलिए कई बार लोगों को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी खुद की ही आवाज थोड़ी बुरी या अलग लगती है। नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से दिमाग क्यों सुन्न हो जाता है? कभी आपने कुछ ठंडा खाने के बाद ऐसा फील किया है जैसे दिमाग जम गया हो? ब्रेन फ्रीज या आइसक्रीम सिरदर्द कुछ ठंडा खाने या पीने से सिर में होने वाला तेज दर्द है जो कुछ सेकंड या मिनटों में चला जाता है। ब्रेन फ्रीज तब होता है जब कोई बहुत ठंडी चीज आपके मुंह के ऊपरी हिस्से को छूती है। यह आमतौर पर तब होता है जब मौसम बहुत गर्म हो और व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ ठंडा खा लेता है। नंबर 7, सूरज आपकी त्वचा को काला क्यों करता है और आपके बालों को सफेद? अक्सर देखा जाता है कि लोग धूप में निकलने से बचते हैं क्योंकि इससे स्किन काली और बाल सफेद हो जाते हैं। बहुत केसेस में स्किन और बालों में मौजूद मेलानिन नष्ट हो जाता है। मेलानिन ही वो चीज है जो हमारी रंगत निर्धारित करता है। बॉडी में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होने से कलर सांवला और कम होने से कलर गोरा होता है। ज्यादा देर तक धूप में रहने से स्किन मेलानिन ज्यादा बनाने लगती है, जिससे कलर डार्क हो जाता है। जहाँ तक बालों की बात है, ये डेड सेल से बने होते हैं। इनकी केवल जड़ों में ही जान होती है और मेलानिन भी वही होता है। इसलिए जो बाल जड़ों से दूर हो जाते हैं, यानी बाल की लंबाई बढ़ने पर जो हिस्सा जड़ों से दूर हो जाता है उसके सेल्स मर जाते हैं और वो सफेद होने लगते हैं। नंबर 6, जब ठंड होती है तो आपकी आंखें ठंडी क्यों नहीं हो जाती? अक्सर ज्यादा ठंड पड़ने पर हमारी बॉडी के हर हिस्से में ठंड लगती है। बॉडी का हर पार्ट ठंडा हो जाता है सिर्फ आंखों को छोड़कर। हमारी आंखें वास्तव में बहुत अच्छी तरह सुरक्षित हैं। आंख का अधिकांश भाग खोपड़ी के अंदर होता है। उसके ऊपर आपकी पलकें आंखों की सुरक्षा करने में मदद करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी आंखें हर समय आंसू बहाती हैं। यही कारण है कि हम पलक झपकाते हैं। पलकें झपकाने से हमारी आंखें नम रहती हैं और आंसू बहाती हैं, जिससे आंखें इतनी आसानी से ठंडी नहीं होती और ना ही जमती हैं। नंबर 5, छींकते समय क्यों बंद हो जाती हैं आंखें? अक्सर सांस लेते समय धूल मिट्टी के छोटे बड़े कण हमारी नाक में चले जाते हैं, जिससे हमें छींक आती है और हमारी पलकें बंद हो जाती हैं। पलकें झपकने के लिए ट्राइजेमिनल नस जिम्मेदार होती है। ये नस चेहरे के हर हिस्से को कंट्रोल करती है। इस समय माइंड पलकों की नसों को खींचने का सिग्नल देता है और आंखें बंद हो जाती हैं। छींकते समय हर तरह की दिक्कत को हटाने का दिमागी संदेश ये नसें आंखों तक भी पहुंचा देती हैं और इसके कारण ही हमारी पलकें झपक जाती हैं। नंबर 4, पक्षी वी का आकार बनाकर क्यों उड़ते हैं? अक्सर कुछ पक्षी जब उड़ते हैं तो अंग्रेजी शब्द वी का फॉर्मेशन बना लेते हैं। इसके पीछे का विज्ञान हम आपको बताते हैं। दरअसल वी फॉर्मेशन में उड़ने से पक्षी हवा को काटकर अपनी ऊर्जा बचाते हैं और साथ ही अपने साथ उड़ रहे छोटे पक्षियों की मदद का जरिया भी बनते हैं। साइंटिस्टों ने पाया है कि वी आकार में उड़ने वाले पक्षी किसी अकेले पक्षी के मुकाबले 10-20% ऊर्जा बचाकर लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज उड़ पाते हैं। और साथ ही उड़ते पक्षियों के अधिकांश समूहों में बच्चे सबसे आगे उड़ते हैं ताकि वो लगातार सबकी निगाहों में बने रहें। नंबर 3, जब हम थके हुए होते हैं तो उबासी क्यों लेते हैं? जब हमें कुछ बोरिंग सा फील होता है या हमें नींद आती है तो हम उबासी लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जब हमें बॉडी को रिफ्रेश करना होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा ताजा ऑक्सीजन लेते हैं। और अनदर रीजन ये है कि कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है जमाई लेने का मेन रीजन हमारे दिमाग के टेम्परेचर को कम करना है। दरअसल जब हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती या जब हमें थकावट होती है तब हमारे दिमाग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस, जो कि पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमें जमाई लेने के लिए मजबूर करने लगता है। नंबर 2, आपको सोने की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों सोते हैं?
नींद हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। नींद के दौरान दिन भर में बनाई गई सभी यादें शॉर्ट टाइम मेमोरी से लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सोते समय हमारी बॉडी बहुत सी कमियां ठीक करती है। इस समय के दौरान मसल्स की ग्रोथ होती है और बॉडी अधिक ग्रोथ हार्मोन भी छोड़ती है, जिससे बॉडी का विकास होता है, क्योंकि नींद बॉडी में कई इंपॉर्टेंट कामों को कंट्रोल करती है। नींद की कमी का हम पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए हम सोते हैं। नंबर 1, कुत्ते गंदगी क्यों खा जाते हैं। कुत्ते कई बार अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पॉटी या गंदी चीजें खाना उनमें से एक है, और ऐसा वो कई कारणों से करते हैं, जैसे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाना, जिससे कुत्तों में भूख बढ़ जाती है, जिससे वो अपने या दूसरे कुत्तों की पॉटी को भी खाने लगते हैं। दूसरी बात, कभी कभी कुत्ते के फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, या वो अपने खाने में से पोषक तत्वों को पचा नहीं पाते। ऐसे में वो अपनी न्यूट्रिएंट्स संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉटी में पचे हुए भोजन को खाने लगते हैं। इसके अलावा कई हफ्तों तक उन्हें एक ही जगह पर रखने से भी ये समस्या ट्रिगर हो सकती है।